नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। भारतीय स्कूटर मार्केट की ओर देखें तो दो हिस्सों में बटा है, 110 सीसी और 125 सीसी। इन्हीं दो मार्केट्स में ऑलमोस्ट सारी मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है और ऐसी दो प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं। देखिए, ये दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल नई नहीं है, TVS की एंटॉर्क और सुजुकी की बर्गमैन। एक तरफ स्कूटी कम्यूटर स्कूटर है तो दूसरी तरफ मैक्सी कम्यूटर स्कूटर, मतलब साइज में बड़ी, इधर परफॉर्मेंस पे ज़्यादा खेल है। आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे इन दोनों में कौन सी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स। लेकिन इस कंपैरिजन करने की और एक वजह है इन दोनों स्कूटर्स का नया वेरिएंट्स। ये है एंटॉर्क का सबसे महंगा XT वेरिएंट, कीमत 1,04,000 रुपये एक शोरूम, और लेफ्ट की ओर रखी है बर्गमैन EX, इसे भी हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा गया है, कीमत 1,12,000 रुपये एक्स शोरूम। मतलब आप लगभग 1,20,000 रुपये के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए कौन सी हो सकती है एक बेहतर विकल्प। अगर वीडियो पसंद आता है ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए, मत भूलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ये दोनों स्कूटर्स देखने में बहुत हद तक अलग हो सकते हैं, लेकिन स्पेकशीट की ओर देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सिमिलर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके इन दोनों स्कूटर्स की वेट की बात करें, लगभग 110 किलो, एक किलो ज़्यादा सुजुकी बर्गमैन में। यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस 5 मिलीमीटर ज़्यादा बर्गमैन में। व्हील बेस की बात करें तो 5 मिलीमीटर ज़्यादा आपको मिल जाएगा बर्गमैन में। मतलब आंकड़ा जो है ना, काफ़ी नेक एंड नेक गेम है, लेकिन डिज़ाइन वाइज बर्गमैन फ्रंट हैवी है। आप सामने की ओर एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सी स्कूटर वाली फील आएगी। जो राइडिंग पॉस्चर है बर्गमैन में वो आपको अपराइट मिलेगा, प्लस फुट फॉरवर्ड प्रेस। मतलब जब आप लंबी दूरी कवर कर रहे हैं, आप थोड़े आराम से थोड़ी सहूलियत में कवर कर सकते हैं। वहीं एंटॉक की बात करें तो सिटी राइडिंग के लिए ये काफ़ी जिपी स्कूटर है, स्पेशली इसका जो टाइट व्हील बेस है वो मदद करता है, लेकिन इससे ज़्यादा मदद करता है इसका इंजन। देखिए, दोनों इंजन की रिफाइनमेंट अच्छी खासी है, स्पेशली यहाँ पे जो सुजुकी की पेटेंटेड SEP टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, मुझे बेहद पसंद है। लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन के तौर पे देखें तो मुझे एंटॉक थोड़ी ज़्यादा पेपी लगती है, थोड़ी ज़्यादा एजाइल लगती है जब हम सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं। अगर स्टोरेज स्पेस की बात करें तो लगभग सिमिलर स्टोरेज स्पेस है। अंडर सीट आपको स्टोरेज स्पेस सुजुकी में लगभग 21.5 लीटर का देखने को मिलेगा, 22 लीटर वहीं एंटॉर्क में दिया गया है। लेकिन गुड पार्ट, आपको फ्रंट एप्रॉन में थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, आप USB चार्जिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस जो सामने एरिया दिया गया है वहाँ भी आप थोड़े बहुत सामान रख सकते हैं। दोनों अंडर सीट स्टोरेज में आप एक हाफ फेस हेलमेट कैरी कर सकते हैं। दोनों स्कूटर्स में आप, इनफैक्ट इस वेरिएंट में आप 12-12 इंच के अलॉय व्हील्स सामने पीछे देख सकते हैं। सामने की ओर दिया गया है डिस्क ब्रेक। हालांकि डिस्क ब्रेक अगर थोड़ी बारीकी से एंटॉर्क XT की ओर देखें तो यहाँ पे पेटल डिस्क, मतलब कस्टमाइज डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो बहुत ज़्यादा अगर एग्रेसिवली चलाते हैं तो हीट डिसिपेशन में बेहतर साबित हो सकते हैं। लाइट्स की बात करें तो फ्रंट में दोनों में LED लाइट का इस्तेमाल किया गया है। जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं, दोनों स्कूटर्स में आपको हैलोजन देखने को मिल जाएंगे। दोनों स्कूटर्स में आपको कनेक्टिविटी के ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे XT एंटॉर्क थोड़ी आगे दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है ये काफ़ी यूनिक है पूरे मार्केट में। यहाँ पे आपको दो इंस्ट्रूमेंटेशन का एक मिश्रण देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप ढेर सारे फीचर्स देख सकते हैं और देखने में भी काफ़ी ये स्लिक है। दूसरी ओर सुजुकी की बात करें तो सुजुकी का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है डिजिटल है, हालांकि कनेक्टेड फीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ कम फीचर्स आप गिन सकते हैं कंपेयर टू एंटॉक। जैसे कि एंटॉक वाले सिस्टम में अगर आप फ़ोन कनेक्ट करके रखे हैं तो इनकमिंग मैसेज दिखेगा, स्विगी जोमेटो प्लस लाइव क्रिकेट स्कोर्स, आप वॉइस कमांड से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से एंटॉर्क थोड़ी सी आगे। अगेन, डिज़ाइन आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन XT के साथ कुछ लाइवली पेपी कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नियॉन ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखा गया है, विच अगेन एंटॉर्क को थोड़ी सी ज़्यादा स्पोर्टी और अपीलिंग बनाता है। लेकिन जब आप बर्गमैन के ऊपर बैठे हैं तो इस सीट पर आपको ज़रूर ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि स्पेशली पिलियन के लिए काफ़ी चौड़ा एरिया दिया गया है और इस चौड़े एरिया में आप दो लोग ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं कंपेयर टू एंटॉर्क।
फ्यूल टैंक की बात करें तो लगभग सिमिलर फ्यूल टैंक दिया गया है, 6 लीटर से कम, लगभग 5.5 लीटर वर्सेस 5.8 लीटर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूल टैंक में जो डिफरेंस है वो है इनका इनलेट पोजीशन। बर्गमैन में स्टोरेज स्पेस के साथ मतलब सीट उठा के आपको पेट्रोल भरना पड़ेगा, वहीं एंटॉर्क का जो फ्यूल कैप है वो एक्सटर्नल दिया गया है। दोनों स्कूटर्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सिमिलर इंजन यूज़ होते हैं, 124 वर्सेस 124.8। आउटपुट फिगर्स की बात करें तो एंटॉर थोड़ी आगे है, 9.25 ब्रेक हॉर्स पावर, 10.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। वहीं बर्गमैन की बात करें तो लगभग 8.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड जो है सिमिलर है, कंपनी कहती है लगभग 95, लेकिन रियल लाइफ में बर्गमैन में हमने 96 छुआ है और एंटॉर्क में 99 का आंकड़ा हमने टच करने में हम कामयाब रहे हैं। लेकिन एक अच्छा खासा डिफरेंस आता है इन दोनों के माइलेज फिगर्स में। बर्गमैन ने हमें डेली डे टू डे सिटी राइडिंग की तरफ 54 किलोमीटर प्रति लीटर के ऊपर का माइलेज दिया है, वहीं एंटॉर्क ने लगभग 44 किलोमीटर अगेंस्ट अ लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब अगर राइडिंग रेंज की बात करें बर्गमैन में आपको लगभग 300 से 315 किलोमीटर मिल जाएगा फुल टैंक में, वहीं एंटॉर्क की बात करें तो लगभग 260 से 270 किलोमीटर अगेंस्ट वन फुल टैंक आप राइडिंग रेंज देख सकते हैं। हाईवे स्टेबिलिटी मुझे थोड़ी सी बर्गमैन में बेहतर लग रही है क्योंकि एरोडायनामिक ज़्यादा है, फ्रंट फेस जो हैवी है और जो वाइजर का इस्तेमाल किया गया है, आप जब हाईवे पे चला रहे हैं अच्छे से विंड को डिफ्लेक्ट कर सकती है। दोनों स्कूटर्स में टायर 12 इंच के इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन प्रोफाइल थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है एंटॉर्क में। ओवरऑल मुझे लगता है एंटॉर्क इज़ मोस्ट स्पोर्टियर, मोर पेपी। वहीं बर्गमैन की बात करें तो ज़्यादा रिलैक्स्ड, लेड बैक या फिर कंफर्टेबल कह सकते हैं। सस्पेंशन जो रियर की बात करें तो दोनों स्कूटर में जो पिछले हिस्से में सस्पेंशन दिए गए हैं ये इनके स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा ज़्यादा स्टिफ हैं। मतलब छोटे मोटे खड्डों के ऊपर से अगर आप थोड़ा ज़्यादा तेज़ निकलने की कोशिश करें तो आपके जॉइंट्स पे वो दबाव दिखेगा, लेकिन बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये आपको बहुत ज़्यादा जारिंग या अनकंफर्टेबल महसूस होंगे। दोनों को काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है। एंटॉर्क में आपको थोड़ा ज़्यादा फीचर और थोड़ा ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, वहीं बर्गमैन में कंफर्ट पे फोकस ज़्यादा है और स्पेस या फिर प्रैक्टिकलिटी आप ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। देखिए दोनों स्कूटर्स का हम आउटराइट कंपैरिजन की विजेता नहीं घोषणा करना चाहते क्योंकि कैटेगरी डिफरेंट है, एक तरफ मैक्सी स्कूटर है और दूसरी तरफ एक परफॉर्मेंस कम्यूटर। लेकिन मुझे लगता है मेरा झुकाव स्टिल TVS की तरफ है क्योंकि स्कूटर की जो डायमेंशन है ये फैमिली के डिफरेंट सदस्य काफ़ी आराम से हैंडल कर सकते हैं। बट अगेन बर्गमैन की भी एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। आप कौन सी चूज़ करेंगे इन दोनों में से ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर मुझे नीचे अपनी राय आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।